धीरे से गाड़ी धीरे से गाड़ी हाँ कोटा राय पर सुल्तानगंज में ट्रैफिक जाम दो मजाया जाए शिव शंभू मेरे आए तरते तेरे हर हर बम बम महादेव। अब हम सबों के बीच झारखंड के श्रम मंत्री, हम सबों के गार्जियन और इस आप सबके सदन में अपनी श्रद्धा के साथ विराजमान हैं परम आदरणीय राज पलिवार जी को इस मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं बड़े नेह के साथ। और इसके साथ मैं बुलाना चाहता हूं हम सबों के गार्जियन कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी को, जो सम्मान के साथ इस मंचों पर विराजमान हो, और हम सबों के आदरणीय मनमोहन सिंह राजपूत जी को, और इसके साथ हम सबों के इस देवघर मोमेंट आईपीसी के जो डायरेक्टर परम आदरणीय जितेंद्र राजपाल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप यकीनन ऐसे ही संजना राज जी के गीतों में भजन भाव में खो जाइए और हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए, ताली बजाते रहिए। और हमारे बीच में न्यू स्टार गोल्ड के डायरेक्टर श्री सत्यप्रकाश सिंह और सीमा सिंह जी भी मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर कृपया आए। और हम सबों के गार्जियन विराजमान हैं जिन्होंने श्रद्धा समर्पित किया इस भोलेनाथ शिव और श्री पार्वती मैया का जो त्योहार सजा है, और इस यकीनन श्रद्धा समर्पित करने के बाद जिंदगी धन्य हो जाती है। एक शेर से इस मंच पर सम्मानित करना चाहता हूं कि दूर से चल के कोई भगवान आए हैं, मैया सबरी के घर श्री राम आए हैं। दूर से चल के कोई भगवान आए हैं, मैया सबरी के घर श्री राम आए हैं। आए हर हर बम का नारा लगाने वाले कंवरियों, एक बार जोरदार ताली बजाइए, आपके सदन में परम आदरणीय राज परिवार जैसे खास मेहमान आए हैं। और इसके साथ मैं हम सबों के मंच पर विराजमान हैं हमारे देवघर मोमेंट आईपीसी के डायरेक्टर परम आदरणीय जितेंद्र राजपाल जी के लिए एक शेर मेरे दिल से कि किसी के जख्मों की चाहत पर पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने न होंगी तो राखी कौन बांधेगा। मेरे जख्मों की चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने न होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और ऐसे ही होती रहे दिल्ली में दामनी जैसी हर बहनों की हत्या, तो उस कबूतर के गले में चिट्ठी कौन बांधेगा। मुकद्दर को देखिए वो बांझ भी है बूटी भी है, सोचती है मेरी गठरी कौन बांधेगा। और भोले दानी के कृपा से परम आदरणीय गार्जियन जितेश राजपाल जी का होना कितना जरूरी है, नहीं तो आईपीसी ट्रस्ट फाउंडेशन पर कलाकारों के माथ पर विकास की पगड़ी कौन बांधेगा। जोरदार ताली बजाइए। और इसके साथ हम सबों के गार्जियन हैं, मैं इनको माइक समर्पित करता हूं। हमारे बीच में जो हमारे सपोर्टेड हैं हमारे इवेंट के, वो लाल स्टील टीएमपी बार के हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पे आ जाएं। और हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि देवतुल्य भक्त जन हमारे बीच मौजूद हैं, दो शब्द अपने कहें। आईपीसी के इस भव्य मंच पर चल कांवरिया बाबा धाम कार्यक्रम के प्रायोजक न्यूज इंडिया टीवी के चैनल हेड मनमोहन सिंह जी, एडिटर कौशलेंद्र जी, और जिनके छत्रछाया में लगातार 300 दिन शिव की भक्ति में हम लोग लीन हो जाते हैं, ऐसे भव्य मंच प्रदान करने वाले आईपीसी के डायरेक्टर जितेश राजपाल जी, भोजपुरी की लोकप्रिय कलाकारा जिन्होंने फिल्मों में भी अपने गायन से लोहा मनवाने का काम किया है, संजना राज जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र सूरज जी, रजनीश जी, सभी अतिथिगण, और बाबा बैद्यनाथ की इस पवित्र धरती पर पधारे हुए देश के कोने कोने से आए हुए सभी शिव भक्तों, आपको सबसे पहले महादेव की इस धरती पर झारखंड सरकार की तरफ से हृदय के अंतःकरण से सभी शिव भक्तों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। मित्रों, झारखंड की सरकार ने शिव भक्तों के लिए लगातार
श्रावणी मेला में कई प्रकार के सुविधाओं को हम लोगों ने प्रदान करने का व्यवस्था किया है। आप पिछले वर्ष भी आए होंगे और इस वर्ष भी आए होंगे तो सारी सुविधाओं में आपको बहुत आमूलचूल परिवर्तन दिखता होगा। विश्वास है जब अगले वर्ष आप आएंगे तो सुविधाओं में और ज्यादा परिवर्तन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आप लोगों के लिए भजन संध्या का आयोजन न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से किया गया है, ये प्रत्येक वर्ष ये लोग करते हैं। इनको बाबा बैद्यनाथ शक्ति दे, सामर्थ्य दे और जब तक यह मेला चलता रहे तब तक न्यूज इंडिया के तरफ से इस आईपीसी के भव्य मंच पर शिव भक्तों के लिए लगातार वर्ष दर वर्ष कार्यक्रम चलता रहे, ये बाबा बैद्यनाथ से हम प्रार्थना निवेदित करते हैं। और जिस भव्य मंच की व्यवस्था को खड़ा करने का काम जितेश राजपाल भाई ने किया है, बाबा बैद्यनाथ से हम कामना करते हैं कि इनको और शक्ति दे, इससे और भव्य तरीके से प्रत्येक वर्ष ये मंच लगाए ताकि देश विदेश से कांवरिया बंधु शिव भक्त यहाँ आते हैं, वो भक्ति की भाव से सरोवर होकर इस बाबा बैद्यनाथ की धरती से अपने अपने घर के लिए जाएं, ये हम कामना करते हैं। ये बाबा बैद्यनाथ से कामना है और आए हुए सभी शिव भक्तों से बाबा बैद्यनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा बैद्यनाथ सारे शिव भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करे। अंत में हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत आपका आभार मंत्री जी। और हम मंच पे आप उपस्थित हैं, जियो डिजिटल से भी हमारे जो सहयोगी हैं इस इवेंट के, मैं उनसे आग्रह करूंगा आप मंच पे आ जाएं। और मंत्री जी जब उपस्थित ही हैं तो जरा सा मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि जो हमारे इवेंट के सपोर्टर हैं, जिनके बदौलत हम इस इवेंट को अंजाम देते हैं, उन्हें आप सम्मानित करें। मैं पूरे न्यूज इंडिया की तरफ से मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। बोल बम लाल टीएमटी विकास ठाकुर जी, मंत्री जी से आग्रह है कि आप इन्हें मेमेंटो देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू स्टार गोल्ड से हमारे बीच उपस्थित हैं सत्य प्रकाश सिंह और सीमा सिंह जी, आप मंत्री जी से आग्रह है कि उन्हें भी मेमेंटो देकर सम्मानित करें। और जियो डिजिटल शेखर सिन्हा जी, जियो डिजिटल से उन्हें भी आग्रह है मंत्री जी से कि आप उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंत्री जी मनमोहन सिंह से आप मंत्री जी को मेमेंटो देकर सादर सम्मान करें। जितेश जी, जितेश जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।